बेचता। अबे क्या करूंगा यार, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कर। अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है मैंने ऑस्ट्रेलिया से, अल्हम्दुलिल्लाह होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद तमाम लड़के मेरे हाथ का आमलेट आमलेट बना देता हूँ, बहुत अच्छा आमलेट बनाता हूँ, पराठे बनाता हूँ, और इसके अलावा काफी सारी रेसिपीज हैं जो कर लेता जी हूँ। होटल मैनेजमेंट आपने खाने बनाने में किया? तो होटल मैनेजमेंट और क्या है, मतलब मैं तो कर क्या गया, यहाँ मेरी जॉब ही नहीं। यहाँ मुझे कहते थे पराठे बनाओ, एक न्यू कोयता होटल पे गया सीवी लेके, क्या ये कितने आमलेट अंडे बना रहे थे। मैंने कहा भाई मैंने मैंने नहीं सीखी ये चीज। जावेद, कैरी पैकर के बाद एक तवील अरसा आया और अब इंडियन क्रिकेट लीग हमारे सामने है। उससे पहले भी हमारे खिलाड़ी बाहर जाते थे और लीग्स खेलते थे। ये अगर इंडिया इन्वॉल्व हो गया तो क्या ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से अब हम जा नहीं सकते या बैन लगाया जा रहा है? देखिए ये मसला ये नहीं, आप इंडिया में जाके खेलें, आप जापान में, फिरोजाबाद, हाफसाबाद, कहीं भी जाके खेलें, मसला लड़कों के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आए दिन कभी किसी के ऊपर उंगली की जी फला उसमें जा रहे इंडियन लीग क्रिकेट खेले। लेकिन अगर उंगली उठानी है, पाबंदी की बात करनी है, तो लड़कियों पे करें, लड़कों पे नहीं। मीना की मिसाल आपके सामने, इंडिया गई, पता नहीं क्या क्या किया होगा भाई, फिल्मों के अलावा हमें क्या पता। जाहिर आप काफी गंदी सोच है आपकी, मतलब नहीं बात हकीकत की करनी चाहिए। मैं अगर सच बोलता हूँ, अभी क्या बोलते हैं कि जी वो फला क्लब में जाता है तो वो फला इंडियन किसी फिल्म एक्ट्रेस से मिलता है। 2020 में हमने देखा कि हमें बैटिंग लाइन ने काफी हद तक सपोर्ट किया, हमें बचाया। जब आप जैसा प्लेयर जिसका रिवर्स स्वीप इतना अच्छा हो तो हमें क्यों बैटिंग कोच कहीं और से चाहिए? देखिए बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, दो दो मसले हल हो जाए, खुदा की कसम आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाए। एक आपकी बैटिंग लाइन ठीक हो जाए, दो लाइनें मैंने आपको बताया ना, एक बैटिंग लाइन ठीक हो जाए, एक महिले की गटर लाइन ठीक हो जाए, खुदा की कसम सारे मसले खराब है। दोनों का मसला लेगा, एक से तीन को मसला लेगा, एक से महिले को लेगा। जहां तक बात आती है क्रिकेट की, मैं कहता हूँ लड़के सिंगल डबल लें। अगर चौके की भी उनको मौका मिलता है कि वहाँ पर कोई फील्डर नहीं खड़ा, कोई प्लेयर नहीं खड़ा, वहाँ सिंगल डबल लो। जावेद ये क्रिकेट पुरानी हो गई है, लोगों के पास ना टाइम नहीं है, वो हैप्पी देखना चाहते हैं, मैं कम क्रिकेट देखना चाहते हैं। उसी तरफ आया हूँ मैं। अगर आपके पास, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप जो है वो आप क्रिकेट नहीं देखें, आप स्कोर देखें, आप टेबल टेनिस देखें, आप सानिया मिर्जा को देखें। मैं देखता हूँ इसमें क्या, खुदा की कसम देखता हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। मैं ये कह रहा हूँ सिंगल डबल आप नहीं करेंगे, आपका अपना नुकसान है। आपको चौके के लिए भी अगर गेंद मिलती है, वहाँ फील्डर नहीं है, कोई लड़का नहीं खड़ा, आप सिंगल डबल लो, चौका नहीं मारो। मेरी रोक अच्छे रिवर्स स्वीपर है, आप सिंगल डबल के अंदर क्यों? नहीं, मैं रिवर्स स्वीप अच्छी करता था, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस चीज को। मैं अपनी दौर कसर से अच्छी रिवाइज स्वीप कर, इतनी अच्छी करता था, खास मैं तुम्हारे को बताऊं, मैं इतनी अच्छी रिवाइज स्वीप करता था। एक दफा मैं जा रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में मुझे आवाजें लगाई लोगों ने, अबे ओ बड़ा अच्छा स्वीपर है तू, तो बड़ी अच्छी स्वीपें करता है। मैंने कहा खुदा की कसम मैं ऐसे स्वीप करूंगा, तुम लोग घर की सफाई कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा मैं चोल आदमी हूँ भाई। आपको वो स्वीपर समझ रहे होंगे आप, वो गलत नहीं, वो जो भी समझ रहे हो उनका ईमान था, वो देखना उनको मैं बदवा दे। जावेद क्या देखते हैं, 5-6 साल या शायद 10 साल हम आपसे महरूम रहे किसी भी टर्म्स में, अब 20 साल बाद क्या आपको देखते हैं कि आप टीम में होंगे, फायदा हासिल होगा? फायदे की अगर आप किस हैसियत से, मेरे से क्या फायदा, मुझसे बेटर स्क्वाच बनती है क्या, मुझसे मैं वो गाय हूँ जिससे ट्रॉफी बनती है मीठी, ये क्या फायदा उठाएंगे भाई, कैसी बातें कर रहे। ना मुझसे फ्लू चार्ज बन सकती है, ना मुझसे कीमे बन सकता है, खुदा की कसम इंसान है, फानी है हम लोग। टीम में 20 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को, कहीं देखते? लेकिन 20 साल बाद की बात की मैं आपको बताऊं खालिद, 20 साल बाद मैं देखता हूँ अपने आप को, देखता हूँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, ओल्ड दी क्रिकेटर्स आए हुए हैं वहाँ, जितने भी क्रिकेटर्स अब तक हैं वो सारे जिंदा जो आए हुए हैं, चार लड़के जिन्होंने मेरी चारपाई उठाई हुई है, मेरे रुई लगी हुई है और बोले कलमा, मैं कहा देखूंगा भाई, तुम बोल रहे हो 20 साल बाद मेरी 50 साल, वैसे उम्र एवरेज इंसान की उम्र ही कम है। जावेद वो तो हर एक को ये पता नहीं है कि कल क्या होना है, मैं क्रिकेट के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं बैटिंग लाइन को इम्प्रूव करूँ। क्रिकेट का फ्यूचर के बारे में देखना ICC का काम है, मेरा काम नहीं, ठीक है।
ये सारा काम आईसीसी का है, मेरा काम ही नहीं है तो मैं क्यों देखूं भाई क्रिकेट का फ्यूचर। जावेद आप एक सीनियर क्रिकेटर हैं, कोच का मसला हमारे मुल्क में शुरू से है, बहुत से बाहर से लोगों को बुलाया गया मगर कोई खातिर खा कामयाबी नजर नहीं आई, आप कोच का मसला किस तरह रिजॉल्व हो सकता है? देखिए कोच के मसले की जहाँ तक बात है, कोच का मसला इतने आराम से हल नहीं होता। मैंने पहले भी तजवीज दी थी ये क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैंने ये पहले भी मेरी तजवीज दी। मैंने कहा भाई आप लोग जो हैं कुछ ना करें, किसी कोच को ना बनाए, किसी को भाव से पैसे मत दें, आप कराची कोच मंगाए, आप न्यू कोयता कोच मंगाए, खान कोच मंगाया, ये यूसुफ की कोचिंग जो सब्जी मंडी पे खड़ी होती है ये मंगाए आप, इसमें सारे क्रिकेटर्स को भरे और दफा करें, इनको कहीं दूर जाके फेंके, नए लड़के लेकर आए, मतलब आप बिठाए कहीं किसी गड्ढे में जाके फेंके कभी। हाँ नहीं तो यार ये दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ये लड़के खेलते नहीं है, ये लड़के देखे आखिरी दिए छक्के मारता, भाई तू सिंगल डबल ले। जावेद वो गेम पुराने हो गए हैं सिंगल डबल, अब लोग देखना चाहते हैं हैपनिंग देखना। देखिए हैपनिंग आप तीसरी चौथी दफा लफ्ज बोले मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, हैपनिंग वेपनिंग मेरे सामने तो बोलियो भी नहीं, पहले तो ये बता दो अल्लाह की कसम भेजा घूमने में ज्यादा टाइम मेरे को नहीं लगता है, अभी ये तीसरी दफा नहीं बोल रहा जी। जावेद आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पर एक कॉल आ रही है, कोई साहब आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल मौलाना साहब हैं, ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं। जी मौलाना साहब क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो एक बात जरा, ये बकरा निकला है तो मैं थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह देख खालिद जो भी बात है मेरे बारे में मशहूर है कि 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करवाता हूँ, वक्का का इल्जाम लगा है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, एजाजी तौर पे स्पीड देखकर मुझे ब्रेटली के बाप का खिताब दिया, लेकिन मौसूफ जब कोच बने तो मेरी सिफारिश न कर सके, ये बड़ी गलती की इन्होंने। और देखे देखे नहीं मौलाना साहब आज ये कि क्रिकेट खेलना जो है वो बच्चों का काम नहीं है, क्रिकेट एक गेम है, सिंगल डबल लेने पड़ते हैं रंग, और ये प्लास्टिक की गेंद थोड़ी होती है, वहाँ के प्लास्टिक की गेंद से आपका क्रिकेट हो रहा हो तो मैं आपको भी टीम में शामिल कर लूँ भाई, हार्ड बॉल होती है इसमें चोटें भी लग जाती हैं बाजू का। खुदा की कसम मैंने अगर प्लास्टिक की गेंद का नाम दे दिया हो ये सब गवाह है, ये गवाह है सारे, और ये बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, टैलेंट की नाकदरी कर रहे हैं, मुझ जैसे फास्ट बॉलर, ओपनर, बैट्समैन और विकेट कीपर के करियर को दांव पर लगाने की कोशिश की गई है, यहाँ तक मैंने इंपायरिंग भी की है। मैं आप नाराज नहीं हूँ, मैं दोबारा अगर इंशाल्लाह कोच बन गया, वैसे तो कोच बनना एक मुश्किल काम है क्योंकि आपको पता है इधर बंदा पाकिस्तानी टीम का कोच बना नहीं, उधर से हो रहा नहीं, वो पता नहीं क्या मामले, लेकिन मैं दोबारा बना, मैं आपको लेके जरूर आऊंगा टीम में, शाबाश, नाराज नहीं होते, शाबाश। छुपकलियों के शहजादे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी साहब आप काबिल एहतराम आदमी हैं, आप मौलाना हैं, आप बताएं आप क्या आपका सवाल क्या है, जो भी है बताएं आप। अगर शोएब अख्तर आसिफ की जगह आपको बैट मारता तो मेरे को क्यों मारता शोएब बैट, अल्लाह की कसम मैं इसकी टांगे तोड़ देता, ये आसिफ शरीफ आदमी इसमें तो बैट मारे। मौलाना साहब ने क्या बात की है यार? नहीं सब आपने गुस्से गुस्सा दिलाया, नहीं मेरे को हाथ तो, मेरे को बात तो करके देखे ये, मैं इसको बताऊँ अपने घर का होगा, लोग हैं वो भी आपको कॉल कर देते हैं न्यूज वाले, वो मैं सबको समझाता हूँ कि आप सबको समझा, इन्होंने मेरी चीन बनाई हुई है कि जो भाई तुमको अगर शोएब अख्तर मैं खुदा की कसम मैं शोएब की तरह छोड़ देता, अगर मेरे को कभी टच बैट ही उठाता भी नहीं मेरी तरफ तो। जावेद खाली एक बार बताओ, आप मुझे को ये बताएं कि मेरे पास शलवार कमीज का कपड़ा है, मेरी शलवार कमीज सिलवाने तो वो ईद से पहले अभी कोई काफी टाइम हो गया, कोई ले लेगा कोई जल्दी? अरे बचा मुझे कुछ पता नहीं, मैं खुद भी कम पहनता हूँ, ईद का पता नहीं, मेरा ख्याल काफी रश होता है। आप मतलब आप ये हो तो जाएगा ना, मेरे को तसल्ली चाहिए, मुझे वो कुछ नहीं, आप तसल्ली दो मुझे, बोलो हाँ हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा, जावेद भाई हो जाएगा, चलो ठीक है हो जाएगा फिर। जब अब ये हालात हैं, अब बाहर बैठ के जब टीवी पे देखते हैं और अंदर ही अंदर आप हर्ट हो रहे होते हैं,
आपको वही शारजा का छक्का तो याद होगा जब आपने शारजा में छक्का मारा था चेतन को। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, यहाँ पर पीसीबी का शुरू से मैं